स्टेज पर अमित शाह, स्क्रीन पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है हैदराबाद मुक्ति दिवस। मंच पर ओवैसी, बैनर में बड़ा बड़ा लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन डे। एक स्टेज पर गृह मंत्री, दूसरे मंच पर ओवैसी है। दोनों के बीच महज 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों के बीच सियासी फासला बहुत ज्यादा है। हैदराबाद में 17 सितंबर के ऐतिहासिक दिन को दोनों के मंचों पर अलग अलग पहचान दी गई। सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कहती हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं कि 20,000 से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। गरजने वाले हैदराबादी भाईजान का लहजा पूरी तरह बदला हुआ था। पूरी स्पीच के दौरान न उनकी पिछाई हुई, न ही बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव दिखी। पूरे भाषण के दौरान ओवैसी के पहले जैसे तेवर भी नजर नहीं आए और डायलॉग्स भी पुराने ही दोहराए। रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना ठान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए हैं, तुम उनको गोली मार रहे हो। ट्रेन में वर्दी पोश एक दहशतगर्द गोली मारता है वफादारों को, क्योंकि वो गद्दार है और वफादारों को गोली मार कर समझता है कि वफादार डर कर वतन को छोड़ देंगे। अरे जब वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो भर जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ओवैसी ने लाख कोशिश की कि 17 सितंबर को हैदराबाद में सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन हो जाए। पिछले साल तक ओवैसी हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर एक दिन पहले बाइक रैली किया करते थे और करते थे पावर शो, जिसका बीजेपी जवाब देती थी। लेकिन इस बार ओवैसी से पहले 15 सितंबर को ही बीजेपी ने मुक्ति दिवस पर बाइक रैली निकालकर सीधे सीधे ओवैसी को चैलेंज दे दिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में पहुंचकर मुक्ति दिवस पर रजाकारों से लोहा लेने वाले बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर हुंकार भरी। हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर ओवैसी पावर प्ले में बीजेपी से पिछड़ते हुए दिखे। शायद इसीलिए वो हैरान परेशान हो गए और बीजेपी को तेलंगाना में पंचर तक बताने लगे। तेलंगाना में बीजेपी की बंडी में पंचर पड़ चुका है, बंडी में पंचर हो गया, तब इन्हें परेशान नहीं। हैदराबाद के सियासी पिच पर चुनौती मिलते ही ओवैसी हड़बड़ा गए। वैसे हैदराबादी भाईजान को जगह जगह जाकर खुला चैलेंज देने का बड़ा शौक है। बिहार से लेकर यूपी, गुजरात और कर्नाटक जाकर भाईजान बड़े बड़े दावे किया करते थे, लेकिन जब अमित शाह ने हैदराबाद की धरती से हुंकार भरी तो उनकी एक एक बात ओवैसी को बेहद चुभ रही थी। तेलंगाना मुक्ति के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि महापुरुष, लोह पुरुष सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकरा कर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। ऑपरेशन पोलो मुश्किल था, तकलीफ दे था, और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा वो गलत था।
और अमित शाह को तारीख नहीं मालूम, सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। यह सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था, यह पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। हैदराबाद के ताल्लुक से नेहरू ने कहा था कि इट इज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया, ये नेहरू ने कहा था हैदराबाद के बारे में। अब अमित शाह के क्या हमको हैदराबाद की तारीख बताएंगे? तेलंगाना के सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस मना रहे थे, तो दूसरी तरफ परेड ग्राउंड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर इसी हैदराबाद के हॉकी ग्राउंड में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी तिरंगा रैली निकालने के बाद नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाने में व्यस्त थे। और हैदराबाद की आजादी की जंग में बीजेपी से लेकर आरएसएस और जनसंघ की भूमिका तक पर ओवैसी सवाल खड़े कर रहे थे। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता। सिर्फ हैदराबादी भाईजान ही नहीं, बल्कि उनके केसीआर की चिंता भी एक ही है, वो है हैदराबाद में बीजेपी की बढ़ती पैठ को कम करना, रोकना। इसलिए भाईजान को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव उनके लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम साबित नहीं होंगे। फिलहाल हैदराबाद के रास्ते तेलंगाना की सारी सियासत, सारी राजनीति, सारा दर्शन फिलहाल इसी लाइन पर अटका है, लिहाजा हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। 17 सितंबर 1948 की ये वो तारीख है जब हैदराबाद रियासत में रजाकारों का जुल्म चरम पर था। हैदराबाद की हिंदू आबादी को खूब प्रताड़ित किया जाता था, साथ ही उन मुसलमानों को भी नहीं बख्शा गया जिनकी वफादारी पर रजाकारों को शक था। जब हालात बेकाबू हुए तो 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसे हैदराबाद पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। भारतीय सेना से 5 दिन की जंग के बाद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत का हिस्सा हो गया। हैदराबाद के भारत में शामिल होने के 75 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस लड़ाई में बलिदान देने वालों को नमन किया और निजाम के क्रूर शासन से जनता की मुक्ति का क्रेडिट सरदार पटेल को दिया। लेकिन हैदराबादी भाईजान को तो हैदराबाद की मुक्ति शब्द से ही एतराज है, लिहाजा लगे हाथ उन्होंने मुक्ति दिवस मनाने वालों को ही झूठा बता डाला, बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला कर दिया। मगर आरएसएस कहीं पर नजर नहीं आती आपको, बीजेपी तो खैर अब बाद की पैदाइश है, ना आरएसएस का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आरएसएस को कोई हक हासिल नहीं है, ना मौजूदा बीजेपी कोई हक हासिल है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर कुछ बोल सके। 2022 में पहली बार केंद्र की मोदी सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेट करने का फैसला किया और इस साल हैदराबाद डे के मौके पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी सहूलियत के मुताबिक दिन का नाम दे दिया। बीजेपी और केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जहां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया, वहीं कांग्रेस ने विलय दिवस के रूप में मनाया, जबकि इस मौके पर कोई समारोह नहीं करने वाले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इसे नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया। अब सवाल है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस से दिक्कत क्यों होने लगी? क्या ये माना जा रहा है कि मुक्ति दिवस का नाम देने पर मुस्लिम नाराज हो जाएंगे? तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जब मौका हैदराबाद डे को अपने अपने पक्ष में भुनाने का है, तो सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं। 75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टिकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ।
मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। किस किस को बुलाना चाह रहे? बुलाओ आप, मुझे बड़ी बेचैनी से मुकाबले का इंतजार है। जब हम दूर दूर मुकामात पर जाकर मुकाबला करते हैं, जब हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई तब भी हम पीछे नहीं हटे, तो तुम्हारे झूठे इल्जाम हमारे पैरों की धूल पे कुछ नहीं कर सकते। इनके रिश्ते की असलियत सबके सामने आ गई, ए बी सी सब मिल गए, सब मिलकर इस डर के मारे, इस घबराहट की मारे कि कांग्रेस हावी हो गई तेलंगाना में, सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस, तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है, तीनों इकट्ठे होकर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हैदराबादी भाईजान की मजलिस भी हैदराबाद डे को विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है, लेकिन अपने हिसाब से। लिहाजा ओवैसी ने निजाम से लेकर रजाकारों का जिक्र कर इतिहास के पन्ने पलटे, लेकिन विरोधाभास देखिए कि वो कभी निजाम की तारीफ में कसीदे काटने लगते हैं, तो कभी निजाम की फौज यानी रजाकारों के बहाने सियासी दांव भी चलने लगते हैं। रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए हैं, तुम उनको गोली मार रहे हो। ट्रेन में वर्दी पोश एक दहशतगर्द गोली मारता है वफादारों को, क्योंकि वो गद्दार है और वफादारों को गोली मार कर समझता है कि वफादार डर कर वतन को छोड़ देंगे। अरे जब वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो भर जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरे राज्यों में मिली सियासी चोट ने ओवैसी को इस कदर परेशान कर दिया है कि अब हैदराबाद में भी सियासी जमीन खिसकने का डर बढ़ता जा रहा है। इन सब के साथ ही मुद्दा उन विषयों से भी कन्नी काटने का है जो वोट बैंक को सूट नहीं करते, लिहाजा ओवैसी बार बार बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अपनी खीज बयां करते रहते हैं। रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना है। गोडसे और सावरकर की अभी जानिशीन है, औलाद है, इनको हमको देखना है। तेलंगाना की राजनीति में हर दांव चला जा रहा है। आगामी चुनाव में बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात कही जा रही है, लेकिन भाईजान और उनके केसीआर की सबसे बड़ी टेंशन है हैदराबाद में बीजेपी की बढ़ती पैट, जिसका एहसास 2020 के निकाय चुनाव में केसीआर ओवैसी दोनों को हो चुका है। 3 साल पहले हुए हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीआरएस को जहां 55 सीटें हासिल हुई, तो बीजेपी को 48 सीटों पर विजय मिली। वहीं एआईएमआईएम को 44 सीटें हासिल हुई, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बढ़ता जनाधार बीआरएस और एआईएमआईएम को साथ खड़े रहने को मजबूर कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी करीब 20% वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। हालांकि केसीआर के टीआरएस को सबसे ज्यादा 9 सीटें मिली थी, वहीं ओवैसी की पार्टी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसीलिए ओवैसी और केसीआर के जुगलबंदी तेलंगाना और हैदराबाद में सधी हुई है। कांग्रेस के सामने फिलहाल अपना वोट शेयर बचाए रखने की चुनौती है। यही वजह है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस की बजाय विलय दिवस पर जोर है, लेकिन बीजेपी अपनी लाइन पर कायम है। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर चुके अमित शाह भी हैदराबाद मुक्ति दिवस जैसे गर्व पर्व के जरिए विरोधियों को शिकस्त देने का दांव चल रहे हैं।